हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल बैंकिंग स्पार्टन। सो जैसा कि आपने कुछ देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं IBPS को लेकर। तो IBPS में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, री एग्ज़ामिनेशन हुई है, उसके बाद डेट्स जो भी क्लर्क की, RRBPO की, फिर RRB क्लर्क की, फिर IBPS PO की, फिर वैकेंसी बढ़ना, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई है IBPS में। तो एक और उसी सीरीज़ में एक और अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई ये हुई है कि IBPS ने रिसेंटली उसका जो, जैसा कि काफ़ी सारे ISO के स्टूडेंट हैं वो टेंशन में थे कि ISO का जो एग्ज़ाम है वो लेट होगा या उसका नोटिफिकेशन ऑन टाइम आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आप सभी जितने भी कैंडिडेट हैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि IBPS ने उसका ISO का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है वेरियस न्यूज़पेपर में। सो उसकी एक जो कटिंग है द हिंदू पेपर में भी आया है आज के, तो उसकी कटिंग मेरे पास है, तो मैं उसके बारे में और IBPS क्लर्क की जो मेंस है वो श्योरली अब पोस्टपोन होने जा रही है, इस हिसाब से मैं आपको पूरी डिटेल में ये बताने वाला हूँ। और आप लोगों की कुछ क्यूरीज भी थी जो कट ऑफ को लेकर, IBPS PO की जो वैकेंसीज इंक्रीज हुई उसको लेकर, तो वो सभी की सभी मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आखिरी तक वीडियो देखिएगा अगर आपको कोई भी क्यूरीज हो या कोई भी आपको एग्जाम रिलेटेड कुछ भी जानना हो या पूछना हो। तो आप कमेंट कॉलम में पूछना हो तो कुछ भी हो तो कमेंट कॉलम में आप मुझे बता सकते हो, तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी डिले के, लेट्स बिगन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ IBPS ने वेरियस न्यूज़पेपर में उसके स्पेशलिस्ट ऑफिसर की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो उसकी जो प्रीलिम्स और मेंस की डेट और जो एप्लीकेशन फॉर्म कब ओपन हो रहे हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि जो उसका किस किस पोस्ट के लिए उन लोगों ने वैकेंसीज निकाली है, तो वो है IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, उसके बाद राज्यसभा अधिकारी स्केल 1, लॉ ऑफिसर, HR पर्सनल और मार्केटिंग ऑफिसर। तो स्केल 1 की ये सारी वैकेंसीज के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो उसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मोडिफिकेशन होगा वो होगा 2 नवंबर से, 2 नवंबर से, तो कब तक, 23 नवंबर तक। और जो इसका पेमेंट है वो भी 2 नवंबर से 23 नवंबर तक। और जो इसका कॉल लेटर है वो दिसंबर में आप प्रीलिम्स का डाउनलोड कर सकते हो। इसकी जो प्रीलिमरी होगी, प्री एग्ज़ाम होगी, वो 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को होगी, है ना। इसके कॉल लेटर भी दिसंबर में ही जारी किए जाएंगे IBPS के द्वारा। और इसकी जो मेंस एग्जामिनेशन होगी 24 जनवरी को होगी, है ना। मैं वापस से रिमेम्बर करना चाहूँगा आप सभी को कि 24 को क्लर्क का भी पेपर है, IBPS क्लर्क का, तो वो अब पोस्टपोन होने जा रहा है क्योंकि IBPS ने मेंशन कर दिया है इसमें कि 24 को वो SO का भी लेने जा रहा है, तो दो एग्ज़ाम SO और क्लर्क की एक साथ नहीं करा सकता वो। तो वो क्लर्क की जो एग्ज़ामिनेशन है वो जो मेंस की एग्ज़ामिनेशन है वो कैंसिल होने जा रही है। तो प्रीलिम्स के लिए अभी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आया, तो प्रीलिम्स तो ऑन टाइम ही होगी, लेकिन उसकी जो मेंस पॉसिबिलिटी है वो होगी जनवरी में ही, बट वो कोई और डेट बाद में रिलीज़ कर देंगे। तो एक ये था। और उसकी जो मेंस के बाद जो मेंस का रिजल्ट आएगा वो आएगा फरवरी में 2021 में, और इसके जो कॉल लेटर इंटरव्यू के वो डाउनलोड किए जाएंगे फरवरी में। उसका प्रोविजनल अलॉटमेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जितनी भी एग्ज़ाम होगी वो उनका जो अलॉटमेंट होगा वो ऑन टाइम ही होगा, कोई डिले नहीं होगा। इसमें उन लोगों ने मेंशन कर दिया है कि IBPS की तरफ से, IBPS एक बोर्ड है ना, तो वो कभी भी लेट डिले नहीं करना चाहेगा। उसका जो रिज़ल्ट है, जो अलॉटमेंट है, वो 1 अप्रैल को ही वो अलॉट करेगा। उसके बाद आपकी जो कुछ क्यूरीज थी, IBPS PO की जो वैकेंसीज इंक्रीज हुई है तो उसके लेकर मुझे काफ़ी सारी क्यूरीज आ रही है, और इसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना भी पड़ रहा है। तो IBPS PO की जो वैकेंसीज इंक्रीज हुई, हाँ डेफिनेटली इसका जो कट ऑफ पर काफ़ी असर पड़ने वाला है। 2017 से इसका कंपेयर आप कर सकते हो। अब 50 के अप्रॉक्स जिस भी कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किए हैं वो अभी खुद को सेफ जोन में मानकर चले और मेंस की प्रिपरेशन करें। आपका ये टाइम बहुत प्रीशियस है, आप इसको वेस्ट ना करें, जितना हो सके करंट अफेयर पर फोकस करें। मैंने भी एक करंट अफेयर की सीरीज़ चालू करी है जिसमें आपको मैं 30-30 करके जो मंथली 3 से 4 वीडियो रिलीज़ करूँगा, जिसमें आपको सारे करंट अफेयर मंथली कवर हो जाएंगे। एक वीडियो को कंटिन्यूस पढ़ने से बोरिंग होता है, इस कारण मैंने ये करंट अफेयर के वीडियो को पार्ट में डिवाइड कर आपको आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। और मैंने द हिंदू के लिए भी
जो करंट अफेयर आते हैं, सिर्फ करंट अफेयर में उसमें एडिटोरियल सेक्शन पार्ट कवर नहीं करूँगा, जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपको इंग्लिश के लिए द एडिटोरियल, जो एडिटोरियल है द हिंदू का, वो खुद से पढ़ना होगा ताकि आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो, आपका रीडिंग स्किल्स बने, कंप्रिहेंसिव, आप जो पेपर में आता RC उसको अच्छे से कर सके, तो इसलिए वो आपको खुद से करना होगा। बाकी जो अदर्स पार्ट होंगे वो मैं बिल्कुल कवर करूँगा द हिंदू के करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर भी वो अब मैं मंथली बेसिस पर इसको रिलीज़ करूँगा। अभी मैंने करंट अफेयर जो सितंबर माह का है, मंथ का, वो मैंने अभी रिलीज़ करने वाला हूँ। दो वीडियो इसी सीरीज़ में मैंने अपलोड कर दिया है और कुछ ही दिनों में मैं ये कंटिन्यू करूँगा, है ना। तो ये था, अब PO की वैकेंसी को मैं लेकर बात कर रहे थे हम। तो PO में जो कट ऑफ था वो प्रीवियस ईयर की बात करें तो 59 के अप्रोक्स था। तो दिस ईयर वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि 50 से लेके 55 के बीच में कट ऑफ जाएगा और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा जो भी बैंकिंग एक्सपीरियंस है, जो मैं कंटिन्यूस देते हुए आ रहा हूँ, जो भी मैंने फील किया है पेपर को लेकर 2016 से लेकर 2020 तक, ये मैं कंटिन्यूस पेपर दे रहा हूँ एक्सपीरियंस करने के लिए। मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्स पहले ही निकाल चुका हूँ, तो मैं वो एक्सपीरियंस करने के लिए फिर आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से बदला है ईयर बाय ईयर। तो मेरे हिसाब से 2017 से लेकर 2020 का कंपेयर हम कर सकते हैं, और कट ऑफ वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि 50 के आसपास या बिलो 50 भी जा सकता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा 50 प्लस माइनस 2 का, 48 से लेकर 50 अगर जाएगा तो बाकी 50 के अराउंड ही वो घूमेगा, है ना। तो ये PO का कट ऑफ। और RRBPO की बात करें तो RRBPO में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, जितना पहले ही कट ऑफ जाने वाला था उससे 0.5 से लेके 1 मार्क्स प्लस या माइनस हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एज इट इज़ IBPS RRB क्लर्क को लेकर भी और RRBPO को लेकर भी सेम है, है ना। IBPS PO में या IBPS क्लर्क में कुछ फ़र्क देखने को मिल सकता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जैसे PO की वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई है तो काफ़ी कैंडिडेट ने अप्लाई करा है और कैंडिडेट बढ़ गए हैं, कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कट ऑफ का जो रेंज होगा वो अधिकतर स्टेट में 80 भी टच कर सकता है। तो 80 टच करेगा तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, अपना फोकस मैथ्स रीजनिंग पर अच्छे से दें और करंट अफेयर को डेली पढ़ें ताकि आप क्वालिफाई करें मेन के लिए, तो आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। अगर आप इस प्रीशियस टाइम को वेस्ट कर देंगे कट ऑफ को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, तो आपका मेंस में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये था मेरा आज का वीडियो PO को लेकर, RRBPO के कट ऑफ को लेकर, RRB क्लर्क के कट ऑफ को लेकर और IBPS क्लर्क की मेंस की एग्ज़ाम डेट को लेकर। और IBPS क्लर्क की प्रीलिम्स की जो डेट है वो अभी तक कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया है, तो आप ये मानकर चलो कि वो ऑन टाइम ही होने वाली है, उसका कोई भी चेंजेस या कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो IBPS SO का नोटिफिकेशन जल्दी आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा 1 से 2 दिन में। तो ये था मेरा वीडियो जो आपकी काफ़ी डिमांड आ रही थी उसके ऊपर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ऑन चैनल बैंकिंग स्पार्टन।